अरे क्रिश बेटा, आज आपकी मम्मी तो नहीं आई है, कहो तो मैं छोड़ाऊं। अरे नहीं अंकल, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं अकेले जा सकता हूँ। अच्छा बेटा, गुड आफ्टरनून। ओके गुड आफ्टरनून अंकल। कभी लालच, कभी दुश्मनी, तो कभी सिर्फ अपने अहम के कारण लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। हत्या से बड़ा अपराध और पाप शायद इस दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज अगर पूरी दुनिया में कोई अपराध सबसे बड़े स्तर पर हो रहा है तो वो है हत्या। दिन रात ना जाने कितने बेगुनाहों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। ये क्रूर अपराध तब और भी जघन्य हो जाता है जब इसकी वजह से किसी मासूम के सर से उसके माता पिता का साया उठ जाए। क्रिश एक 10 साल का मासूम बच्चा था जो अपने माता पिता की लाश देखकर गहरे सदमे में था। एक बच्चे के लिए तो उसके माँ बाप ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं। अगर किसी एक का साया भी सर से उठ जाए तो जीवन भर उसकी कमी कचोटती रहती है। यहां तो क्रिश के सामने उसके माता और पिता दोनों की लाश पड़ी थी। क्रिश के मासूम दिल पर क्या गुजर रही होगी इसका हमारा अंदाजा भी नहीं लगा सकता। क्रिश के माता पिता आलोक और संजना की हत्या किसने की और क्यों, ये जानने के लिए चलते हैं कुछ हफ्तों पीछे। बड़ा टाइम लग रहा है। हाँ कहो तो मैं कुछ हेल्प कर दूँ। आलोक मुझे साड़ी चेंज करनी। तो क्या हुआ, मैं चेंज करवा देता हूँ ना। लोग मम्मा पापा मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, मैं आप दोनों के साथ सो सकता हूँ क्या? ओए ऐसे तो कह रहा था मैं बहुत बहादुर हूँ, अब क्या हो गया तुझे? हाँ पर मुझे आपके साथ सोने का मन है, प्लीज ना पापा। हेलो, अगर इसे हमारे साथ सोने का मन है ना तो इसे हमारे साथ ही सुलाते। चलो बिल्कुल यस चलो। मैं तो कहता हूँ ये जो सोसाइटी में पैसे बचे हुए हैं उसका एक सोसाइटी में माता रानी का जागरण करा देते हैं। हाँ जी बिल्कुल कराना चाहिए। और मेरा कैटरिंग का काम है, सारा काम सस्ते में भी करा दूंगा। भला जी हमारी सोसाइटी में सब धर्म के लोग हैं, मेरे ख्याल से जागरण की बजाय अगर हम साल भर की मेंटेनेंस में थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें तो। बाकी आप चेयरमैन हैं गुप्ता, और तुम लोग ना मिडिल क्लास वाले सैलरी मेंटेलिटी के लोग हो, और डिस्काउंट के अलावा कुछ और दिमाग में आता ही नहीं है क्या? हद करते हो यार। संभल के नहीं खेल सकते हो? ओ गुप्ता कोई बात नहीं यार, ठीक है बच्चा है कोई बात नहीं। बेटा क्या है कि जब बिल्डिंग में खेलो ना तो टेस्ट मैच की तरह खेला करो, और 20-20 खेलना तो बाहर ग्राउंड में खेला करो, बड़े ग्राउंड में। जा बेटा जाओ जाओ, शाबाश शाबाश। हाँ जी, ओ मैं क्या सोसाइटी में कितने पैसे पूसे बचे हुए हैं आपने कुछ हिसाब किताब? हेलो, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं नहाने जा रही हूँ। आपके पास चाबी नहीं है, थोड़ी देर बाद आना, नहीं तो बिना वजह बाहर अटके रह जाओगे, ठीक है? अरे संजना तुम चिंता मत करो, मैं लंच टाइम पे ही आऊंगा। हाँ वैसे भी क्रिश मेरे साथ ही खेल रहा है। ओके ठीक है बाय। अमित जी कोई जल्दी आ यार, फिल्म शुरू हो गई। साले कमीने।
यार क्या बात है। अबे इस वक्त कौन है? पता नहीं। अंदर अंदर। चल चल चल। कौन है? यार वो बाथरूम वाली आंटी के हस्बैंड है। अबे तू डर मत, खोल देख लेंगे। पक्का? कल तक ये मकान खाली हो जाना चाहिए। अंकल गलती हो गई। गलती नहीं, कल तक घर खाली हो जाना चाहिए। सॉरी बोल अंकल, सॉरी। कोई सॉरी नहीं, खाली हो जाना चाहिए मतलब खाली हो जाए। प्लीज अंकल माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा अंकल प्लीज। ठीक है, पुलिस एनओसी और रेंट एग्रीमेंट दोनों सोसाइटी ऑफिस में जमा करा देना, वो भी कल तक। एनओसी? आप एनओसी की बात कर रहे हैं? एनओसी एनओसी तो तुम लोगों ने क्या समझा था मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ नहीं अंकल, हम भी एनओसी की बात कर रहे थे इसीलिए कह रहे थे। वैसे भी तुम लोग स्टूडेंट्स हो, मैं तुम लोगों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहता। जी ठीक है, जी कल तक हो जाएगा। ओके ओके एनओसी के। हां जी, हां जी अंकल, बाय अंकल। अबे बच गया, तू ऐसे ही डर रहा था। मुझे पता था ये अंकल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यार। अरे यार उनकी बॉडी देखी तूने, मार मार के भरता बना देते। कुछ नहीं कर सकता हूं अपना। भला जी? हाँ, 201 नंबर वाले ने 6 महीने से मेंटेनेंस नहीं दिया। पानी कनेक्शन काट दे उसका। ओ यार, ओ कर का बंदा है, दे देगा पैसे यार। ओ मैं गल कर लूंगा उससे। ठीक है भला जी। अच्छा भला जी, वो मेरे फ्लैट के पेपर्स आपके पास है? 12 लाख तो चुका दिए, पेपर्स वापस दे दीजिए। ओ यार गुप्ता, हाँ मैं मना कर रहा हूँ क्या? तेरे को तेरे पेपर मिल जाएंगे, चिंता मत कर। ठीक है भला जी। सच कहूं भला जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। यार दोस्त हूं तेरा, मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा है? चल अब फोन रखता हूं। संजना, सिर बहुत दर्द हो रहा है, जरा एक सिरदर्द की गोली दे दो। अभी लाती हूं। पापा मेरे साथ गेम खेलोगे? बेटा थोड़ी देर। ठीक है। जब से आप सोसाइटी के सेक्रेटरी बने हो ना, तब से सरदर्द की गोली बहुत ज्यादा खाने लगी है। तुम तो जानती हो संजना, मैं कहाँ बनना चाहता था, वो तो भल्ला जी ने जबरदस्ती बना दिया। पापा, पहले हम हर संडे घूमने जाते थे, पर अब तो आपके पास टाइम ही नहीं है। क्रिश बेटा, इस बार पक्का प्रॉमिस, नेक्स्ट मंथ मैं तुम दोनों को मनाली लेकर जाऊंगा। खुश? ये बड़ा मजा आएगा। Yes. अरे छोड़ो ये सब, ये तो रोज ही होता है। कितने दिनों बाद मौका मिला है। बेटा अंकल आज मूड में, मूड देख कितना मजा आने वाला है। मम्मा पापा, अबे ये कहां से आ गया? अब क्या है? मम्मा मुझे आज भी अकेले नींद नहीं आ रही, मैं आप दोनों के साथ सो सकता हूँ क्या? कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ हमारे साथ से। यस, चलो। क्या यार, पूरा मूड ऑफ कर दिया। अंकल आप? अरे अजय इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, एक मेल करना है जरूरी। अब मैं आपको वाईफाई पासवर्ड देता हूँ ना, Vivek123। हाँ मेरा लैपटॉप नहीं है ये तो विवेक का लैपटॉप है। हाँ तो क्या हुआ, वो बुरा थोड़ी ना मानेगा। पापा। हाँ बेटा। वो प्रैक्टिस का टाइम हो गया है, ने मुझे प्रॉमिस किया था ना आप मुझे प्रैक्टिस के लिए लेके जाओगे। चलो एक जरूरी मेल है, बस वो करके चलते हैं। अरे यार चलो चल खड़े। अबे इसे मेरा लैपटॉप किसने दिया? यार ये जबरदस्ती ले लिया, मैंने मना किया फिर भी माना नहीं, कुछ बोलना। अरे विवेक, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड।
कोई बात नहीं अंकित, लाइए मैं मदद कर देता हूँ। लेकिन ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। पापा अभी चलो, मेरे बाद में करते हैं, चलो चलो बेटा चलो चलो। कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं बिल्कुल। अंकल सॉरी, किसी साइट पे अपलोड किया है। अंकल गलती हो गई। अंकल तुम घर जाओ, मैं अंकल गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कहाँ अपलोड किया? मैंने किसी साइट पे अपलोड किया। अंकल वो हमारे बाथरूम में से कैमरा लगा के तुम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकता, बदनामी हमारी होगी। पढ़ाई करने के लिए भेजा था ना, मेरा नाम बदनाम करने के लिए। क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? गुप्ता जी, बुलाओ जी, आप पुलिस बुलाओ। ये नालायक जेल जाएगा ना, तभी सुधरेगा। गुप्ता जी, मुझे तो शर्म आती है कि मैं इसका बाप हूँ। देखिए, मेरा मकसद इनको जेल भेजने का नहीं है, इनका करियर खराब करने का नहीं, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। सुना तूने? कितना भला इंसान है ये। चल माफी मांग, चल पैर छू के माफी मांग। मांग मत। ये सब करने की जरूरत नहीं है, इनसे कह दीजिए घर खाली कर दे। युवावस्था में बहक कर छोटी छोटी गलतियां तो हम सभी कर बैठते हैं, लेकिन अजय और विवेक ने जो किया वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं, एक बहुत बड़ा अपराध था। और उनकी शिकायत पुलिस में ना करके आलोक बहुत बड़ी भूल कर रहा था। अक्सर अपने रोजमर्रा के जीवन में हम छोटे मोटे अपराधों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की सोचते हैं, और हमें अपनी गलती का एहसास उस वक्त होता है जब ये छोटे छोटे अपराध हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। कानूनन जिन भी गतिविधियों को अपराध माना गया है उनके बारे में बेहद सावधानी बरतें, और ऐसी घटनाओं की सूचना अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जरूर दें। किसी भी अपराध को छिपाकर या अपराधी को माफ करके हम अनजाने ही उस अपराधी को कोई बड़ा अपराध करने का निमंत्रण दे बैठते हैं। हो सकता है हर केस में ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अपराध और अपराधी के बारे में पुलिस को सूचना देना बेहद जरूरी है, जो कि आलोक ने नहीं किया, और आलोक को अपनी ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली थी। कृष बेटा, ये लास्ट बॉल है, इसके बाद हम लोग घर जाएंगे। ठीक है पापा। और ये रही मेरी खोपड़ी। हाँ मैं गुप्ता, सचिन तेंदुलकर बन रहा है यार। है क्रिस जिद कर रहा था इसलिए खेलने चला आया। अच्छा 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 अच्छा, एक बात पूछनी थी, वो तेरे ऊपर जो दो लड़के रहते थे वो अचानक गायब कहाँ हुए? वो भल्ला जी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अब भल्ला जी, वो आपने फ्लैट के पेपर्स नहीं दिए अभी तक। ओ यार, वो पेपर मैंने वकील को दिए थे, वो चला गया वैष्णो देवी, आ जाएगा 5-7 दिन में, मैं दे दूंगा। प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, थोड़ा काम है। हाँ भाई, दे दूंगा। और तेरे को कोई लोन वोन चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं तेरे को बैंक इंटरेस्ट से कम पे दे दूंगा। अल्लाह जी, मुझे लोन नहीं चाहिए, बस आप पेपर दे दीजिए। हाँ हाँ, दे दूंगा। चले बेटा। पेपर पेपर पेपर, दिमाग खराब करके रख दिया।
अंकल। हाय बेटा। बाय बाय। अभी तक नहीं लौटा। हेलो। हेलो भैया, मैं कृष की मम्मी बोल रही हूँ। बस आज लेट हो गई क्या? आप लोग आए नहीं? क्या? तो मैंने तो उसे 2:45 बजे छोड़ दिया था। क्या? भैया 2:45 बजे आपने छोड़ा है, पर अभी तक कृष घर नहीं लौटा है। आप मुझे बताइए, आपने आपने कृष को छोड़ा कहाँ था? अरे वहीं आपके सोसाइटी के गेट के सामने तो छोड़ा था। गेट पे? भैया कृष अभी तक घर नहीं लौटा है। अरे मैडम वही कहीं देखिए, सोसाइटी में रहेगा। देखिए देखिए मैडम, मुझे जाना है, मैं अपना फोन रख रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना है, वापस दोबारा चक्कर लगाने प्लीज। हेलो भैया, आप हेलो हेलो हाँ संजीदा, हेलो हेलो हेलो, कृष अभी तक घर नहीं लौटा है। वैन के ड्राइवर को फोन किया तुमने? हाँ मैंने मैंने ड्राइवर से बात की तो उन्होंने कहा कि 2:45 बजे कृष को छोड़ दिया था। 2:45? आलोक आलोक मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। कृष 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 कृष, तुमने कृष को देखा है? नहीं। अरे भाई साहब, आपने कृष को कहीं देखा है? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। कृष कहीं दिखा? नहीं, उस बिल्डिंग में देखा? कहीं नहीं है। अंदर है? नहीं है। लगता है बहन वाले ने झूठ बोला आज से। चलो बाहर देखते हैं। कृष 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 कृष, क्या बात है, बड़ी टेंशन में लग रहा है। कृष स्कूल से नहीं आया अभी तक। स्कूल से नहीं आया? और मैंने उसको वैन से उतरते देखा है, उसने मेरे को हाय किया है, फिर मैं बाजार चला गया। कितने बजे दिखा था? कोई 2:45-3 बजे की बात है। अगर कृष आया तो फिर चला कहाँ गया? चलो बाहर देखते। कृष कृष बचाओ मुझे मम्मी बाबू। केले, काले। मुझे भूख नहीं है भैया। काले, बहुत मारूंगा नहीं तो। भैया, मुझे घर चलने दो भैया। हाँ, काहे से? मालूम देखो ना, रात भी हो रही है। पता नहीं कृष का क्या हाल होगा, कहाँ गया होगा मेरा बेटा। बेटा तेरे बाप ने बड़ी बेइज्जती की थी ना भाई, अब तेरे से दूर रह के कितना तड़फ रहा होगा ना। ये पकड़ और सुन, अपने बाप को बोल देना अगर पुलिस में गया ना तो दोबारा उठा लेंगे। चल निकल। बैठ बैठ। अब कुछ नहीं होगा कृष को, कुछ नहीं होगा, तुम रोना बंद करो। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। कृष कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था तू? क्या हुआ था तुझे? मेरा बेटा पापा मेरे कहाँ से भैया मुझे लेके गए थे। हाय बेटा। बाय बाय। उनकी इतनी मत, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। गुप्ता कहाँ जा रहे हो? छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। पापा आप पुलिस स्टेशन गए तो वो मुझे वापस उठा लेंगे। उन्होंने तुझे धमकी भी दी। आप बचेंगे नहीं वो। कुत्ता कुत्ता, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। आलोक भला जी सही कह रहे हैं। मुझे मेरा बेटा मिल गया, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुत्ता तुमने आज तक ये नहीं बताया कि वो दोनों यहां से छोड़कर गए क्यों थे?
पिताज। संजना देव कौन आया? शायद क्रिश आया होगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखो हेलो भाई, हिम्मत कैसे हुई संजना को हाथ लगा देगी? हेलो तो तू हमें मारेगा? सब बड़ा खुश हो रहा था जब हमारा बाप हमें चप्पलों से मार रहा था। आज तेरे सामने ना तेरी बीवी की इज्जत उतारूंगा। अरे क्रिश बेटा, आज आपकी मम्मी तो नहीं आई है, कहो तो मैं छोड़ाऊं? अरे नहीं अंकल, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं अकेले जा सकता हूँ। अच्छा बेटा, गुड आफ्टरनून। ओके गुड आफ्टरनून अंकल। मारने से पहले इस लड़की के साथ कुछ गलत किया गया, किसी ने कपड़े उतार कर इसके साथ कुछ गलत किया या फिर गलत करने की कोशिश की और बाद में मार के इसके ऊपर साड़ी डाल दी किसी ने। ठीक है रोशना, तुम ऐसा करो, ये लाश को सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और घर में अच्छी तरह छानबीन करो, कोई सुराग या कोई सबूत मिले तो उसको कलेक्ट करो। जी मैं। बिल्डिंग में जो लोग आए थे उनकी एंट्री की थी? जी मैडम, मगर गुप्ता जी के फ्लैट में आज कोई नहीं आया। तुम थे वे ड्यूटी पर? जी सर, हाँ 10-15 मिनट के लिए मैं खाना लाने बाहर गया था। ड्यूटी पे बाहर गया था, यही सिखाया तेरी एजेंसी वालों ने? सॉरी मैडम, गलती हो गई। आप लोगों को कुछ मालूम है, कोई इन्फॉर्मेशन, गुप्ता जी का कोई दुश्मन? जी हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले दो लड़के गुप्ता के ऊपर वाले फ्लैट में रहते थे, बहुत ही कमीने किस्म के लड़के थे वो। उन्होंने इस बच्चे को, क्रिश को किडनैप भी कर लिया था। क्या किडनैप? इसकी पुलिस में कंप्लेंट की थी? बस यही गलती कर दी गुप्ता ने, पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। क्या अब वो यहाँ नहीं रहते? नहीं। पर इस बच्चे को किडनैप करने की वजह क्या थी? जी वो अब कैसे बताऊं, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है, आप जरा इधर आएंगे? के दोनों बहुत ही बदमाश हैं। थैंक यू बेटा। आपको जो दो लड़के लेकर गए थे, आपको पता है कहाँ ले गए थे? आंटी वो मुझे बहुत दूर ले गए थे, मैंने ही अंधा कहा, और उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद करके रख दिया था। ठीक है बेटा, डरो मत, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। लड़कों का कोई नेटिव एड्रेस होगा, उसकी डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ, सोसाइटी ऑफिस में है। दिखाइए। मैडम दोनों के नेटिव एड्रेस पे पता किया, अजय के घर ताला लगा था, विवेक के पिता से कानपुर पुलिस की बात हुई है। क्या बोले वो? मैडम विवेक ने अपने पिता से झूठ बोल रखा है कि अभी भी आलोक वाली सोसाइटी में रहता है, और विवेक का जो नंबर है अभी आउट ऑफ सर्विस है। ठीक है, पता करो कि उन लड़कों ने संजना का कोई वीडियो या फोटो किसी पॉर्न साइट पे अपलोड तो नहीं किया। ओके मैम। क्योंकि अगर ये गलती उन्होंने की है तो उनको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। यस।
माय गॉड। मम्मी, पापा। क्या हुआ कृष्ण बेटा? बेटा नींद नहीं आ रही? पर भल्ला साहब, आप आलोक जी का फ्लैट कैसे किराए पे चढ़ा सकते हैं? वो क्यों नहीं चढ़ा सकता भाई? हैं? वो मैंने 10 लाख रुपए उसको उधार दिए थे। उसका मेरे पास रिटर्न में एग्रीमेंट है, सब कुछ लिखा पढ़ी में किया हुआ है, और फ्लैट के पेपर भी मेरे पास है। आप एग्रीमेंट दिखा सकते हैं? हाँ जी, दिखा सकता हूँ। नागपाल साहब, ये सब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, वो बच्चा क्रिश, अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इस फ्लैट के किराए से उसका पालन पोषण हो जाएगा। नागपाल साहब, भल्ला के सीने में दिल है, पत्थर नहीं है। मैडम, हमने पता लगाया, संजना की न्यूड फोटो एक हफ्ते पहले ही एक पॉर्न साइट पर अपलोड हुई है। एक हफ्ते पहले? यस मैडम। संजना की डेड बॉडी पे भी कोई कपड़ा नहीं था, हो सकता है ये पिक्चर उसी दिन ली गई हो। किस आईपी एड्रेस से अपलोड हुई थी ये पिक्चर? ये आईपी एड्रेस यमुना विहार के किसी साइबर कैफे का है, और वहां से हमें विवेक और अजय का एड्रेस भी मिला है। ठीक है, करवा दो उन्हें भी थाने के दर्शन। ओके मैम। आओ जी आओ। ये फ्लैट है, अच्छी तरह से देख लो और आज ही टोकन देके डन कर दो। वैसे फ्लैट काफी अच्छा है? नहीं, बहुत अच्छा है। चलो रेंट की बातें कर लेते हैं। हाँ जी, कैसा लगा? फ्लैट तो पसंद है आपका, लेकिन आपका नाम गगन भल्ला है ना? फ्लैट के बाहर तो आलोक गुप्ता लिखा हुआ है। जी, वो दरअसल मिस्टर और मिसेस गुप्ता का देहांत हो गया था। वैसे क्या हुआ था उन दोनों को? दो लड़कों ने मर्डर कर दिया था। उतार इसके कपड़े। यार लगती बड़ी अच्छी है ना? अरे इसको कुछ उड़ा तो दे। अबे चल। अरे एक सेकंड। एमएमएस बनाएगा, लड़की की फोटो अपलोड करेगा। फ्लैट तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भाई साहब हम आपको किराए से 10,000 ही दे पाएंगे। आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो 10,000 दे देना। ठीक है ठीक है, आप ये टोकन अमाउंट रख लीजिए, बाकी जब हम शिफ्ट होंगे तब आपको दे देंगे। थैंक यू जी। आप एक काम कीजिए, जल्दी से रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए, हम कल ही शिफ्ट होना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं सब करवा दूंगा जी। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। वाह भाई वाह, दोनों लड़कों की वजह से पल्ला तेरी होगी मौज ही मौज। गुप्ता के पैसे भी आ गए
और ये फ्लैट भी पल्ला के नाम पे हो गया। ये दोनों लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? फ्लैट के पेपर्स चाहिए ना, ले ले पेपर्स। अब ये फ्लैट भी मेरा और पैसे भी मेरे। अंकल, उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया क्या? वो दोनों बहुत गंदे, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मारा। पुत्र, तू घबरा मत, पुलिस उनको जरूर पकड़ लेगी। बेटा मरेगा तो तू भी, बस तेरे को मारने का तरीका सोचना पड़ेगा। अपराधी तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब वो हमारे सामने शराफत का मुखौटा पहने रहता है। गगन भल्ला भी ऐसा ही एक अपराधी था जो महज दिखावे के लिए कृष की मदद कर रहा था। 10 साल का मासूम कृष उसके असल इरादों को भांपता भी तो कैसे। आलोक और संजना के बाद अब गगन भल्ला से कृष की जान को खतरा था। क्या कृष बच पाएगा? क्या समय रहते पुलिस गगन की असलियत जान पाएगी? मैं कब से बेल बजा रही हूँ? हाँ, मैं आता हूँ नीचे। कृष बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? बेटा कुछ नहीं अंकल। चलो नीचे चलो। मैडम, आलोक और संजना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों को मारने से पहले बेहोश किया गया। इसका मतलब विवेक और अजय सच बोल रहे हैं। मैडम, ये भी तो हो सकता है मारने से पहले उन्हीं लोगों ने बेहोश किया हो। लेकिन शर्मा, अगर उन दोनों ने संजना को मारा होता तो उसकी न्यूड पिक्चर्स वो इंटरनेट पे अपलोड नहीं करते। इस बात में पॉइंट तो है। मैडम, हमने आलोक की बैंक डिटेल भी निकलवाई। हाँ। उसमें एक अजीब बात सामने आई। क्या? पिछले 2 साल से आलोक के अकाउंट से भल्ला के अकाउंट में 50,000 रुपए हर महीने ट्रांसफर हुए। ये भल्ला वही है ना, सोसाइटी का चेयरमैन? यस मैम। चलो चल के उस भल्ला के साथ कुछ हिसाब किताब करते हैं।
इस गैस को खुला छोड़ देता हूं, जैसे ही गैस चलाएगा इस पिद्दी का डंडा खत्म। बेटा क्रिश, आपको चाय बनानी आती है ना? हाँ अंकल। बेटा जाओ मेरे लिए कप चाय बनाना, वैसे भी तुम्हारी आंटी के जाने के बाद बेटा बहुत दिन हो गए अच्छी चाय नहीं पी है। चल शाबाश। ठीक है अंकल। चला बेटा, ऐसे नहीं, देखो गैस किसमें आ रही है ना। हाँ वो इसलिए आ रही है क्योंकि पहले आपने स्टोव का नॉब ऑन किया, उसके बाद माचिस जलाई। गैस जलाते वक्त हमेशा ये याद रखना कि पहले माचिस जलाओ उसके बाद नॉब ऑन करो, और अगर गलती से नॉब ऑन हो तो उसे पहले ऑफ करो, उसके बाद कुछ देर बाद माची चलाओ। ठीक है मम्मी, है ना? हाँ। अंकल। क्या हुआ बेटा? वो मैं गैस नहीं जला पाऊंगा। क्यों? अंकल गैस में से स्मेल आ रही है। बेटा स्मेल से कुछ नहीं होता, जा जला ले। नहीं अंकल, मम्मी ने कहा था कि जब गैस में से स्मेल आ रही हो तो उसमें आग भी लग सकती है अंकल। बेटा कोई आग नहीं लगती है, मैं बोल रहा हूँ ना, जा जला। नहीं अंकल, वो आग लग जाएगी अंकल, मैं नहीं। अरे तो तू खुद जाके चला। तो मैं ही मारूंगा। नहीं अंकल, जैसे तेरे माँ बाप को मारा है वैसे मैं तुझे भी मार दूंगा। गुप्ता के फ्लैट की चाबी दीजिए। चाबी? लेकिन उस फ्लैट में तो अब किराएदार रहते हैं। किराएदार? ये फ्लैट उसका किराए पे किसने चढ़ा दिया? भल्ला जी ने। ये फ्लैट तो भल्ला जी के ही नाम पे। मतलब ये फ्लैट भल्ला के नाम पे कैसे हो गया? एक्चुअली भल्ला जी से आलोक जी ने 10 लाख रुपए लोन पे लिए थे और वो लोन चुका नहीं पाए। सारे लीगल पेपर्स भल्ला जी के पास थे तो भल्ला जी ने वो फ्लैट अपने नाम पे करा लिया। आलोक ने भल्ला को 12 लाख दिए। आलोक के अकाउंट से हर महीने 50,000 2 साल से भल्ला के अकाउंट में जा रहा है। इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। खैर बैंक डिटेल्स तो यही बताती है। आप ऐसा करिए भल्ला को बुलाइए। जी नहीं अंकल, नहीं, नहीं। मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं। भल्ला जी फोन नहीं उठा रहे हैं, शायद घर पे नहीं है। मोबाइल लगाइए। नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी उनसे बात हो या आपसे वो मिले तो उनसे कहिएगा हमें आके पुलिस चौकी में मिल ले, जल्दी। क्रिश बाहर आजा, देख मेरा नाम भल्ला है, छोड़ूंगा नहीं मैं। देख तू बच नहीं सकता कुत्ते के पिल्ले, बाहर आजा। Oh.
क्या हुआ बेटा? आंटी, वो भला अंकल मुझे चाकू से मार रहे थे। अल्लाह, वो रहा भला, पकड़ो उसे। भल्ला दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, भल्ला दरवाजा खोल, तोड़ दे। कोई आगे नहीं पड़ेगा। चाकू इधर दे। कोई आगे नहीं पड़ेगा। कह रही हूँ चाकू मुझे दे। बड़ा, कोई आगे मत बढ़ो। मेरे सर पर खून सवार है, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, एक एक को काट दूंगा। इंस्पेक्टर आगे मत बढ़ो। तेरी तो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पैसा इंसान की जरूरत है, लेकिन जब वो उसकी हवस बन जाए तो फिर इंसान अपराध के रास्ते पर चल पड़ता है। गगन भल्ला जैसे लोग अपने लालच में इस कदर गिर जाते हैं कि वो किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते। आलोक ने गगन को अपना दोस्त समझा, लेकिन गगन ने न सिर्फ उसका विश्वास तोड़ा बल्कि उसकी और उसकी पत्नी की जान भी ले ली, और अब वो उनके मासूम बेटे कृष्ण की हत्या करने पर भी उतारू था। लेकिन कृष्ण ने हिम्मत नहीं हारी, उसने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि बड़ी सूझबूझ के साथ गगन भल्ला को पुलिस के हाथों पकड़वा भी दिया। इस केस में आलोक से भी गलती हुई। अगर उसने शुरू में ही अजय और विवेक के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी होती तो शायद आज वो और उसकी पत्नी जीवित होते और कृष अनाथ ना हुआ होता। कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को एक बेहद दुखद अंजाम की ओर ले जाती है, इसीलिए हमेशा सतर्क रहें। लोगों पर भरोसा जरूर करें, लेकिन अपने भरोसे को समय समय पर अपने विवेक की कसौटी पर परखते भी रहें। अदालत ने गगन भल्ला को आलोक और संजना की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और कृष की हत्या के प्रयास के लिए सेक्शन 307 के तहत दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अजय और विवेक को संजना का अश्लील वीडियो बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 72, आलोक की हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 और कृष के अपहरण के लिए सेक्शन 361 और 363 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। कृष के साहस और उसकी सूझबूझ को सावधान इंडिया का सलाम, और आप सबसे यही प्रार्थना कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी जुर्म के खिलाफ जंग की ऐसी ही एक और हौसले भरी सच्ची घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।